पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शाहपुर के सिंहू गांव के शहीद संजीवन राणा के नाम पर हुई घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आलम यह है कि शहीद के घर के बाहर एनएच किनारे शहीद के नाम पर लगाया गया बस स्टॉप का बोर्ड भी खराब हो चुका है। ऐसे में स्थानीय युवाओं ने विचार विमर्श करके अपने स्तर पर यहां पर नया बोर्ड स्थापित करने और हर आने जाने वाले को शहीद का नाम नजर आए इसके लिए सोलर लाइट लगाने का निर्णय लिया था। कार्निक पाधा की अगुवाई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां शहीद के घर के बाहर एनएच किनारे शहीद के नाम पर बस स्टॉप का नया बोर्ड स्थापित किया गया तथा लगाई गई नई सोलर लाइट का उद्घाटन शहीद की पत्नी पिंकी राणा के द्वारा करवाया गया। स्थानीय युवाओं का कहना है कि शहीद के नाम पर शाहपुर कॉलेज का नामांकन करने की घोषणा सरकार ने की थी जो अधूरी है। अब युवाओं ने इसके लिए संघर्ष समिति गठित करने का निर्णय लिया है। शाहपुर के युवा कार्निक ने बताया कि सिंहू में शहीद संजीवन राणा के घर के बाहर एनएच किनारे एक बोर्ड लगा था जिसका रखरखाव न होने के चलते वे खराब हो गया था, जिस पर युवाओं ने शहीद के घर के बाहर बोर्ड लगाने का निर्णय लिया जिससे यहाँ से गुजरने वाले लोगों को ज्ञात हो सके कि ये उस शहीद के घर के पास से गुजर रहे हैं। शहीद के घर के बाहर एनएच किनारे जहां बोर्ड लगाया गया है वहां पर एक सोलर लाइट भी लगाई गई है। शहीद संजीवन राणा ने पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी थी और क्षेत्र के युवा हमेशा शहीद परिवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कि ये कार्य हम अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, शहीद के प्रति हमारी भूमिका, शहीद के भूमिका, उसकी भूमिका उसके देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आज से 5 साल पहले एक बोर्ड लगा, उसका रखरखाव नहीं किया गया, देखभाल नहीं की गई। मैं उसके लिए किसी भी नेता, किसी भी विभाग को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि शहीद किसी पार्टी, दल या किसी विभाग के तो थे नहीं, वो भारत माँ के वीर सपूत थे, शाहपुर के वीर सपूत थे। और हम सब युवाओं ने ये फैसला लिया कि हम यहाँ पर इस बोर्ड को लगाएंगे और यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए एक सोलर लाइट लगाएंगे। मैं किसी भी विभाग, किसी नेता को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, ना किसी भी कोई छींटाकशी करूंगा, क्योंकि शहीद के प्रति हमारा भी उतना ही फर्ज है जितना हम सबका है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ। वो हमला हमारे देश की आतंकिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा हमला था। शहीद संजीवन राणा जी ने अपने प्राण भारत माँ के लिए न्यौछावर कर दिए, उनका बलिदान हम कभी भी नहीं भूल सकते। उनके बलिदान के लिए ये हमारा किया गया छोटा सा कार्य रति भर भी नहीं है, पर हम आज तक भी और आज से बाद भी जितना भी हमसे हो जाएगा हम यथासंभव प्रयास शहीद के परिवार के लिए करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको याद कर सकें कि उनके भविष्य के लिए उन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम सब यहाँ के युवा यही बताना चाहते हैं कि हम पहले भी शहीद के परिवार के साथ थे, है और ताउम्र खड़े रहेंगे। जय हिंद। वहीं सिवनी पंचायत की पूर्व प्रधान बिंदु राणा ने कहा कि शहीद के घर के बाहर जहां शहीद के नाम पर बस स्टॉप का बोर्ड खराब था वहां नया लगाया गया है। साथ ही यहां से गुजरने वाले वाहनों को आते जाते शहीद के नाम पढ़ा जा सके इसके लिए बोर्ड में बकायदा सोलर लाइट भी लगाई गई है जिसका उद्घाटन शहीद की पत्नी के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शाहपुर कॉलेज का नामांकन शहीद संजीवन राणा के नाम पर करने की घोषणा की थी जिसे आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए स्थानीय लोग संघर्ष समिति गठित कर रहे हैं ताकि इस घोषणा को जल्द से जल्द पूरा करवाया जा सके। वो कार्यक्रम यहाँ किया गया था क्योंकि कुछ समय पहले, आज से 5 साल पहले, यहाँ के हमारे भाई जी हैं जो शहीद संजीवन राणा जी, जो पठानकोट एयरबेस में शहीद हुए थे, आज जो एयरबेस पठानकोट में बचा हुआ है वो उनकी बदौलत बचा हुआ है। और उनके साथ ही उनके भाई जगदीश जी भी हैं जिनका सियोगरा, जिन्होंने जो है उन मिलिटेंटों को मार गिराया, खुद देश के लिए कुर्बान हो गए, उसके उपलक्ष्य पे ये जो है रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर बसें नहीं रुकती हैं, इसके लिए फिर हमने अपने छोटे भाई कार्निक पादा से संपर्क किया और इनको हमने बोला कि यहाँ एक बोर्ड लगना चाहिए और एक लाइट लगनी चाहिए। तो उस उपलक्ष्य के ऊपर हमने आज लाइट लगवाई है जिसका उद्घाटन हमने शहीद संजीवन राणा की पत्नी श्रीमती पिंकी राणा से करवाया है विधिवत पूर्वक। बिल्कुल सरकार ने वायदे किए थे, वो सारे वायदे जो है खोखले हुए हैं। उन्होंने वायदा किया था कि हम जो हमारा जो
ये शाहपुर का कॉलेज है उसका नाम जो है शहीद संजीवन राणा के नाम से रखेंगे, और आज दिन तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। उसके लिए हम जो है एक संघर्ष समिति बना रहे हैं, और आज भी संघर्ष करेंगे और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।